हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैंने शिवरात्रि में क्या क्या बनाया है भगवान के लिए, शिव जी के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सारा चीज़ मैंने बनाया है। तो ये सारे मेरे वेज है, प्याज लहसुन नहीं है, कुछ नहीं है, सब एकदम मैंने वेज बनाया है, प्योर वेज है। इवन मेरे सारे बर्तन भी भगवान के पूरे नए हैं। मैंने पूरा किचन गैस वैस सब अच्छे से पोंछ करके लिया था। और यहाँ तक कि देखिए आप लोग, मसाला भी मैंने सारे नए नए पैकेट में लिए हैं। कुछ भी मैंने जो मेरे पुराने हैं वो मैंने यूज़ नहीं किया है, सारे बिल्कुल भी वेज हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने छोले भिगा के रखे थे पहले से, मॉर्निंग में मैंने भिगा दिया था। तो ये मैं आफ्टरनून में स्टार्ट की मैं बनाना, क्योंकि मुहूर्त तो रात में 9:30 बजे था। तो मुझे लगा कि शाम में ही पूजा करके, और मेरा फास्टिंग था तो शाम में ही पूजा करके रात में एक बार में पूजा करके खाएंगे। तो खाते खाते मेरा 11:30 बजे गया था रात में। तो मैंने वहाँ पे छोले का प्रिपरेशन मैंने वहाँ पे दिखा दिया आपको कि मैंने छोले बनाना, मैं छोले बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने खीर भी चढ़ा दिया था। तो मैंने यहाँ देखिए, इलायची मैंने कूट के रखा था और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाला था, तो मैंने वो सारे इसमें मिक्स कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये बनाना का जो रेसिपी है ये अलग है। मेरा एक बनाना ख़राब हो रहा था तो मैंने वो उससे बनाया ये। तो देखिए, मैंने ये भगवान के लिए ही बनाया है। तो ये सारे देखिए, मैंने एक बनाना था उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया। और यहाँ पे देखिए, ड्राई फ्रूट्स, चीनी, फिर इलायची और फेनल का मैंने को कूट के रखा था, उसको भी मैंने यहाँ पे मिक्स किया। और यहाँ पे मैंने नारियल भी डाल दिया है। इसका एक अच्छा सा बैटर रेडी करेंगे। बैटर रेडी करके हाथ में जितना आ जाए, जैसे पकोड़ा बनाते हैं उस तरीके से इसे स्मैश कर लेना है। तो मैं धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा पानी, ये दूध ऐड करूँगी। दूध ऐड करके मैं इसे थोड़ा सा हल्का गाढ़ा बैटर बनाऊँगी, जिसे कि मैं पकोड़ा जैसा बना सकूं। तो ये मीठा स्वीट ही है। मैंने ऑलमोस्ट बस छोले को छोड़ के मैंने सभी स्वीट बनाया है और पूरी है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से बनाना है, मैंने वो भी अच्छे से दिखाया है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने गुलाब जामुन भी बनाया था, मैंने उसका भी वीडियो नहीं बनाया। तो गुलाब जामुन बनाया था, फिर देखिए किस तरीके से मैं, ये देखिए मेरा खीर ऑलरेडी तैयार हो गया है। तो हस्बैंड भी लंच में आ गए थे, उन्होंने गुनू को संभाला, तो फिर मैंने ये सारा चीज़ मैंने बनाया। वैसे मैं बनाने वाली थी, वो नहीं होते तो भी मैं बनाती। तो यहाँ पे देखिए, मेरा खीर भी रेडी हो गया है। और मैंने यहाँ पे देखिए, मैं आटा गूँथ ली थी, मैंने वो भी आप लोगों को दिखाया है कि मैं आटा गूँथ रही थी। तो उसमें आटे में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा तेल ऐड किया था और मैंने अच्छे से गूँथ लिया। तो देखिए, मैं अनु का जो बेलन है, और वो बेलन चकली जो बोलते हैं, वो मैं अनु का यूज़ कर रही हूँ। बहुत छोटा छोटा है क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा भगवान के लिए था नहीं, तो अनु का वाला तो बिल्कुल वो तो बस खेलने के लिए यूज़ करती है। तो मैंने उसके में ही पूरी बेल लिया, तो बहुत छोटा है वो। तो देखिए, मेरे यहाँ पे पूरियाँ भी अच्छे से फूल करके रेडी हो रही है। तो एकदम अच्छी फूली फूली हुई तैयार हो रही है ना, देखिए। तो मेरे यहाँ, मैंने यहाँ पे पूरा पूरी बना लिया। अब मैं बनाना का जो मैं हम लोग कॉलर बड़ा बोलते हैं, तो ये केला का वड़ा है। तो आप लोग देखिए, तो देखिए इसको इस तरीके से एकदम बिल्कुल भी मीडियम या फिर एकदम लो में ही आप लोग इसे बनाइएगा, क्योंकि इसे लो में बनाने से ही ये अंदर से अच्छा पकेगा और बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए ये किस तरीके से एकदम बिल्कुल भी फूल करके रेडी हो रहा है। इसमें मैंने कुछ सोडा वगैरह ऐड नहीं किया है, ये नॉर्मल जैसा बनता है वैसा। बस मैंने इसमें 1 बाउल आटा, 1/2 बाउल राइस फ्लोर और चीनी, शक्कर जो भी आप लोगों ने देखा। तो देखिए यहाँ रेडी था। यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ ले लिए थे तो मैंने वो भी शेयर कर दिया। तो बहुत ज़्यादा नहीं ले यहाँ हम लोगों ने घर में पूजा वगैरह सब कर लिया, आरती कर लिया। और मैंने यहाँ से फास्टिंग थोड़ा सा, बस भगवान का थोड़ा सा पानी मैंने पिया था कि मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे पियेंगे। तो इतना भीड़ था, हम लोग 3 मंदिर घूमे, तब लास्ट हम लोगों को एक मंदिर थोड़ा खाली मिली। दोनों से भी आ गए थे, पूजा कर रहे थे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने फोटोज लिया, यहाँ हम लोग मंदिर गए हुए थे। देखिए शिव जी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कर लीजिए आप लोग भी।
आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा।